हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे अपना सुमित भाई की एक गाड़ी है, टाटा टियागो। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने इसका अभी तक ओनरशिप रिव्यू नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो है हम अभी हमीरपुर जा रहे हैं। इस गाड़ी में एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, जिस दिन हम फर्स्ट टाइम ही हमने गाड़ी लिया था उस दिन इस गाड़ी का ये वाला ग्लास टूट गया था, आप देख सकते हैं। उस दिन इसमें हल्का ब्रेक आया था, ऊपर ये चल रहा था। उसके बाद पार्किंग जो है सुमित भाई की वो थोड़ी टाइट है, तो वहाँ पे एक दिन से लग गया था जब ये सीख रहे थे। तो अभी इन्होंने, जब हमने कंपनी में पता किया इस शीशे को परचेज करने का, तो उन्होंने कहा कि एक तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का शीशा है। 4.5 और इसके साथ वो भी बताया था कुछ चेंज भी होगा ना साथ में, अगर इसका मोटर वगैरह गया होगा तो 7 हज़ार कुछ का पड़ेगा, अगर इंटरनल पार्ट भी गया होगा तो कुछ 7 हज़ार के अप्रॉक्स पड़ना था ये शीशा। अगर इसका मतलब बाहर वाला अगर फ्लैप ही पड़ना है तो 4 हज़ार के तकरीबन बता रहे थे, और अगर इसका अंदर से मोटर वगैरह भी गई है तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कम से कम 7 हज़ार कॉस्ट लगेगा आपका। और इंश्योरेंस में हम ये क्लेम नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे इंश्योरेंस वैल्यू भी कम होती है, और एक शीशा के लिए इसमें कुछ पार्ट जो है वो अपनी पॉकेट से पे करना पड़ना था। इसलिए एक बाहर हम एक भाई मिले थे, उनकी शॉप पर जा रहे हैं आज हम, तो उन्होंने कहा था कि वो शीशा जो है अरेंज करवा देंगे कम रेट में। तो रेट भी अभी उन्होंने कहा था 2 से 3 हज़ार की रेंज में शीशा डाल देंगे वो। तो आज इसी को चेंज करवाने जा रहे हैं हम भाई की शॉप पे। भाई का फ़ोन आया था कि शीशा जो है वो आपका आ चुका है, तो आप अपना शीशा डलवा लीजिए। बाकी अभी हम वहीं जा रहे हैं, कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको दिखाते हैं कितना शीशे का जो है कॉस्ट पड़ेगा। टियागो का XT वेरियंट है ये, और अभी वीडियो में आप बने रहिए, आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस किस तरह से ये ग्लास जो है चेंज होगा, जो ORBM है इस गाड़ी का किस तरह से चेंज होगा, और क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट रहेगी, और कितना इसका कॉस्ट आएगा, वो सब आपके साथ वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अभी भाई की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हम गए थे ये डलवाने, वो भैया के पास जो था वो हमें नहीं मिला। उसमें एक्चुअली ये जो ये वाला इसका जो टर्न इंडिकेटर है ये उसमें नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली आफ्टर मार्केट था तो उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इसलिए अभी हम फिर से अपने मोनू भाई की शॉप पे आए हैं और यहाँ पर हम चेंज करवा रहे हैं। एक्चुअली ये जो इसका आप देख सकते हैं, ये जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ से टूट चुका है, तो अभी इसको हमने खोल के इसको यहाँ से थोड़ा, एक्चुअली एक ऑटो फोल्डेबल नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल है ओनली, तो इसलिए फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। 4.5 हज़ार रुपये का ग्लास है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक चाइनीज़ स्क्रू लगाया है मोनू भाई ने यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगा रहे हैं जिसकी हेल्प से जो है पक्का हो जाएगा। और इसका जो मोटर वाला फंक्शन है वो चल ही रहा है आगे से, उसमें कोई इशू नहीं है। और अपने मोनू भाई अभी काम कर रहे हैं जैसे कि इस पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ कभी कभी हमारे देसी जुगाड़ ही ज़्यादा बेटर रहते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि एजेंसी ने इसके 4.5 हज़ार रुपये मांगे और कहा कि अभी कम से कम 15 से 20 दिन अवेलेबल नहीं है ये। और इसका एक्चुअली आपको बताना चाहूँ तो इसका अंदर वाला जो मोटर है ये चल रहा है, और जो ऑटो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं, ऑटो एडजस्टेबल है, तो एडजस्टिंग इसकी काफ़ी अच्छे से हो रही है अभी भी। सो अभी देखिए, इसका शीशा काफ़ी पक्का हो गया, अभी कोई इशू नहीं है। थोड़ा हम इसको जो बचा है पार्ट उसमें फेविक्विक लगा देंगे। और सुमित के हंसने की आवाज़ आपको आ रही होगी, काफ़ी खुश हो गया है, पैसे बच गए इसके और शीशे का काम भी हो गया। बाकी इसका जो हम ऊपर वाला पार्ट है वो लगा के एक बार आपको फाइनली लुक दिखाएंगे इसका कैसे बनेगा ये। तो फ्रेंड्स, अभी जो है इस पर हमें 2 चाइनीज़ स्क्रू लगाने के बाद अभी इसमें हम फेविक्विक और साथ में जो पाउडर आता है मिक्सर वो लगा रहे हैं मोनू भाई इसमें, तो अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है ये, अभी तो वैसे नहीं छूटेगा, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी पक्का हो गया है, अब नहीं छूटेगा। इसका कवर जब हम ऊपर से लगाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। एक चाइनीज़ स्क्रू ये लगाया है और एक हमने यहाँ पे लगाया है, तो अभी काफ़ी पक्का हो गया है ये देखिए। और बाकी फेविक्विक आप देख सकते हैं, फेविक्विक की बॉन्डिंग यहाँ की है हमने, और बाकी जगह पर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ फेविक्विक इसमें फिल कर दी है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह के कुछ देसी जुगाड़ कर सकते हैं। वीडियो में दिखाने का पर्पज़ यही था कि 4.5 हज़ार का शीशा डलवाने के बढ़िया है, आप आफ्टर मार्केट इसको बाहर से कहीं भी 100-200 रुपये दे के काम करवा सकते हैं अपना, और ये बढ़िया हो जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा और स्ट्रेंथ देने के लिए हमने यहाँ पर इसमें थोड़ी एम सील भी अप्लाई कर दी है अंदर, ताकि ये अब इसमें 3 बॉन्डिंग हो गई, एक तो चाइनीज़ स्क्रू, एक तो फेविक्विक, और तीसरा अपना जिसमें एम सील लगाई है ये। तो अभी 3 चीज़ों का बॉन्ड हो गया, अभी ग्लास काफ़ी पक्का हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी नहीं हिल रहा बिल्कुल भी।
तो अभी इसको हम कवर चढ़ाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है ये। तो अभी कुछ इस तरह से बन के देखिए तैयार हो गया है, अभी ज़रा भी इशू नहीं है इसमें। और ये आगे से भी आप देख सकते हैं, एडजस्ट करना सुनिए, ये देखिए कुछ इस तरह से अभी एडजस्टेबल भी हो चुका है, ये बढ़िया काम कर रहा है सब चीज़ का। और ये अपने सुमित भाई काफ़ी खुश। सो गाइस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।